Hi everyone and welcome to my channel. So as we all know that rakshabandhan is just around the corner और रक्षाबंधन की सबसे ज़्यादा फेमस जो स्वीट डिश है वो है घेवर. नाउ यूजुअली हम घेवर बाहर से परचेज़ करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है. तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घेवर की रेसिपी, बिल्कुल जो सबसे सिंपलेस्ट वे हो सकता है उस तरीके से बनाऊंगी. तो इस बार कोशिश करिए कि इस रक्षाबंधन ये घेवर की रेसिपी आप घर पर बनाएँ अपने हाथों से, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊंगी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी. तो सबसे पहले घेवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग जार का यूज़ किया है. अब आप फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो केक मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून्स ऑफ देसी घी. ट्रेडिशनली जो घेवर बनता है उसको हाथ से फेंट के बनाया जाता है, यानी कि हाथों की हेल्प से विस्क करते हैं ताकि उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए. बट आज हम मिक्सिंग जार का यूज़ करने वाले हैं. इसमें मैं डाल रही हूँ 6 to 7 pieces ऑफ आइस क्यूब्स. मेरे आइस क्यूब्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं. अगर आपके आइस क्यूब्स जो हैं वो बिग साइज़ के हैं तो आप 3 to 4 आइस क्यूब्स डाल सकते हैं. और इसको फिर हम कर देंगे ब्लेंड. तो ब्लेंड करने से क्या होगा कि जो हमारा घी है वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें एयर आ जाएगी. तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हो गया है और अभी भी इसमें थोड़े बहुत आइस क्रिस्टल्स हैं. तो अभी इस स्टेज पर हम डाल रहे हैं 1/2 cup ऑफ मिल्क, और मिल्क डाल करके वापस से हम इसको फेंटेंगे. अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि घेवर बनाने में आपको सारी चीज़ें जो लिक्विड्स हैं वो सब ठंडा ही यूज़ करना है. नेक्स्ट टाइम एडिंग 1 cup ऑफ मैदा, बट इस 1 cup मैदे को हम आधे आधे पोर्शंस में हम ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हम ऐड करें 1/2 cup ऑफ मैदा, और वापस से इस मैदे को हम मिक्सिंग जार में मिक्स कर लेंगे. उसके पहले हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी. तो जैसा कि मैंने बताया था कि घेवर बनाने में आपको जितने भी आप लिक्विड्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे आपको ठंडा ही यूज़ करना है, क्योंकि घेवर का जो बैटर होता है वो बिल्कुल चिल्ड होता है, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए तभी घेवर अच्छा बनेगा. अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर घेवर का जो बैटर है वो होगा तो वो घेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा. तो अभी हमने 1/2 मैदा डाला था, और अभी भी आप देख सकते हैं इसमें थोड़े बहुत लम्स हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा गाढ़ा भी है. अब वापस से हम बाकी का बचा हुआ आधा मैदा हम इसमें ऐड कर देंगे, और अगेन आई एम एडिंग सम वाटर. तो टोटल इस पूरे बैटर को बनाने में मैंने 1/2 liter ऑफ चिल्ड वाटर का, यानी कि ठंडे पानी का यूज़ किया है. और वापस से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से. और अब आप अगर देखेंगे तो बैटर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, साथ ही साथ इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमको ऐसी ही चाहिए. तो इस तरीके का कुछ इसका कंसिस्टेंसी है, पोरिंग कंसिस्टेंसी. तो अभी बैटर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, तो इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है. और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 teaspoons ऑफ लेमन जूस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो बैटर में बिल्कुल ध्यान रखना है कि लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए. तो ट्रेडिशनली मोल्ड का यूज़ होता है घेवर बनाने के लिए, लेकिन मोल्ड सबके पास नहीं होते, तो मैं इस टाइप का एक भगोने का यूज़ कर रही हूँ. जो भी आपके पास सबसे स्मॉल साइज़ का भगोना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और इसमें मैंने 1/2 level तक देसी घी फिल कर दिया है, और देसी घी में ध्यान रखना है कि बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम बैटर डालेंगे. बिल्कुल एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है. तो जैसे ही हम बैटर डाल रहे हैं हम देख रहे हैं कि इसमें बबल्स उठने लग रहे हैं, और एकदम से फिर बबल्स जो हैं वो सेटल हो जा रहे हैं. तो इस तरीके से करते हुए, थोड़ा थोड़ा सा करते हुए, कम से कम इसको 13-14 बार इस बैटर को हमको डालना है. थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं कोशिश करें, बस 2 teaspoons या
दो टेबलस्पून के बराबर एक बार में डालें और उसके साथ ही साथ किसी नाइफ़ या स्पून की हेल्प से बीच में हल्का हल्का सा होल करते जाएं इस तरीके से, सो दैट कि बीच में एक सर्कल सा फॉर्म हो जाएगा। तो बस इस तरीके से बैटर को हमको डालना है और बीच में होल करते जाना है। घेवर बनाने में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं बनानी है ये रेसिपी, अदरवाइज़ वो सब ख़राब हो जाएगा। जो सबसे ख़ास बातें ध्यान रखनी है इस रेसिपी में वो ये है कि घी जो है वो बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए और जो घेवर का जो मिक्स है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मिक्सी में चलाते चलाते घेवर का जो बैटर है वो थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसको आधे घंटे के लिए पहले आप फ्रिज में रख दीजिएगा। तो होता ये है कि जब हम बिल्कुल स्टीमिंग हॉट घी में जब हम बिल्कुल चिल्ड बैटर को डालते हैं धीरे धीरे करके, तो वो एकदम से बबल से फॉर्म होते हैं और वापस वो बबल सेटल होने लगते हैं जैसे कि वो कुक होता है। जैसे जैसे घेवर का बैटर कुक होता जाएगा वो सेटल होता जाएगा जो उसमें झाग सा बन रहा है, और घेवर में जालियां भी अच्छी खासी फॉर्म होने लगेंगी। तो मैंने करीब 15 से 16 बार थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डाला। अब आप अगर साइड से देखेंगे तो जो ये घेवर है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है और इसमें ब्राउनिंग भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो अब इसको निकालना है हमें, तो साइड से हल्का सा स्क्रेप कर देंगे और एक किसी भी नाइफ़ या फोक की हेल्प से इसको धीरे से हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता तो बहुत इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं कि एक घेवर हमारा बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छे इसके एजेस बने हैं और जालियां भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। और इसको हमने एक कोलैंडर यानी कि छन्नी में रख दिया जिससे कि इसका जो एक्सेसिव जो भी घी है वो ड्रेन हो जाएगा। तो अब चलिए इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं शुगर सिरप। तो एक पैन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप ऑफ शुगर, इसके साथ ही ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ वाटर और इसको अच्छे से कुक होने देंगे या तब तक जब तक कि शुगर इसमें अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। हमें इसमें थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का शुगर सिरप चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें थिक सिरप नहीं चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 3 to 4 drops ऑफ गुलाब जल जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इस घेवर को। ट्रस्ट मी, अगर आप इस गुलाब जल को ऐड करेंगे शुगर सिरप में तो जो घेवर है उसका एक अलग ही टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस चीज़ को ऐड करने से। तो शुगर सिरप हमारा ऑलमोस्ट अब बस तैयार ही हो रहा है। बस शुगर डिसॉल्व होने के बस 3 से 4 मिनट तक हम इसको और कुक करेंगे, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। 2 या 3 स्टार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ ओनली ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो स्पून के पीछे से हल्का सा आपको ग्लॉसी सा दिख रहा है चाशनी सा, और अगर आप इसको हाथ से टच करेंगे तो ये थोड़ा सा चिकना सा आपको फील हो रहा होगा। तो बस इसका मतलब कि हमारा शुगर सिरप तैयार है और गैस को कर देंगे बंद। अब शुगर सिरप को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, बस इसको इतना ही रहना कि हल्का सा गुनगुना रहे, बहुत ज़्यादा गर्म हम नहीं डालेंगे वरना जो घेवर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके की किसी भी आप बड़े से स्पून पर आप ले सकते हैं जिसमें कि थोड़ी जालियाँ हों, सो दैट कि जो भी एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो नीचे से ड्रेन हो जाए। तो शुगर सिरप बस हल्का सा गुनगुना है जो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से सारा हमने डाल दिया है और कुछ टाइम के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो शुगर सिरप इसमें से जो एक्स्ट्रा था वो ड्रेन हो चुका है। अब हम लगा रहे हैं इस पर रबड़ी और ये होममेड रबड़ी है। और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब रबड़ी हम इस पर लगाएंगे
तो रबड़ी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि शुगर सिरप जो है वो हल्का सा गर्म था, हल्का सा गुनगुना सा था। तो अगर रबड़ी आपकी बिल्कुल ठंडी होगी तो वो बैलेंस कर देगी उस चीज़ को, और जो घेवर है वो बहुत ज़्यादा आपका सॉगी या सॉफ्ट सा नहीं होगा, वो ठीक ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहेगा, जितना एक परफेक्ट घेवर को होना चाहिए उस तरीके का रहेगा उसका जो टेक्सचर है। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए बादाम और थोड़े से पिस्ता से गार्निश करेंगे, और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से ये कितना अच्छा घेवर तैयार हो गया, जिसकी कि परफेक्ट बिल्कुल जालियाँ बनी हैं, परफेक्ट एजेस बने हैं। सो गाइस डू ट्राई दिस रेसिपी। ध्यान रखने वाली बात ये है कि घेवर में घी का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए जब आप बैटर को डालेंगे, और बैटर जो है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और जब आप डालें तो बिल्कुल भी उसमें हड़बड़ी मत करिएगा, आराम से रुक रुक के थोड़े थोड़े बैचेस में उसको डालते रहिएगा। जितना आपको मोटा चाहिए उस हिसाब से आप उसको डाल सकते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में एक घेवर आपका अच्छा ना बने, बट स्टिल आपको ट्राई करना है और इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करिएगा, तो आई एम श्योर कि वो घेवर आपका अच्छा ही बनेगा। सो या गाइस टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस टू लेट मी नो। सो या टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड